जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड आर आर से ईद की रेसिपियां, कमाल की रेसिपियां, खुशियां भरी ईद की रेसिपियां। किस तरीके से आप ईद पे चिकन टिक्का पीस बना सकते हैं अपनी फैमिली के लिए शॉर्ट तरीके से, वादे के मुताबिक रेसिपियां दे रहे हैं, शॉर्ट रेसिपियां दे रहे हैं, ताकि मेरी माओं बहनों को, देखने वालों को घर में बनाने के लिए प्रॉब्लम ही पेश ना आए। आज तक गाली मुकाण लग गए हैं। शॉर्ट तरीके से टिक्का चिकन किस तरीके से तैयार कर सकते हैं मुकम्मल गाइड करूंगा, तवज्जो से देखिएगा। चिकन टिक्का पीस तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 6 अदद पीस ले लिए, जिनका वजन 1.5 kg बनता है। यहाँ से इस तरीके से चेस्ट भी है बीच में और लेग भी है, यहाँ पे बोन होती है, हड्डी होती है, इस तरीके से कट लगा लें। यहाँ पे इसको हल्के हल्के इस तरीके से फिर इसको यहाँ पे इस तरीके से, गल समझ आ रही है, चस्के थे आन के फिर यहाँ पे इस तरीके से सब पीसों को मैं, और ये जो लेग वाला है इसको यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, बोन वाली जगह पे ऐसे, यहाँ सेंटर में थोड़ा ऐसे, इस साइड से इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। और यहाँ पे इस तरीके से ऐसे कट लगा लें इनको सबको, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इस तरीके से कट लगा लिए हमने, इसको यहाँ पे ले आए। सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद हम डालेंगे 6 टेबल स्पून दही, जिसके अंदर पानी कम है, शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। इसके बाद हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, शामिल कर दें। अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद डालेंगे चिल्ली सॉस 1 टेबल स्पून, शामिल कर दें, हैं चस्के आ रहे हैं। उसके बाद डालेंगे लेमन जूस 2 टेबल स्पून, शामिल कर दें। उसके बाद कटोरा बॉक्स उठाएंगे, नमक सबसे पहले शामिल करेंगे 1.5 टीस्पून, जीरा पाउडर 1.5 टीस्पून, रेड चिल्ली 1 टीस्पून, कोई गरम मसाला 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, जर्दे का फूड कलर, जर्दा फूड कलर थोड़ा सा कलर के लिए शामिल कर दें। इस तरीके से इनको अच्छे से मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद अच्छे तरीके से ये जो कट लगाए हुए हैं इनमें अच्छे तरीके से हम मसाला लगा दें। इस तरीके से यहाँ पे रख दें, यहाँ रख दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से, और इस तरीके से, ठीक हो गया। अब इनका क्या करना है, ये सारा जो मसाला जो बचा हुआ है कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इसके ऊपर इस तरीके से डाल दें और इसके बाद अच्छे तरीके से अपने हाथ वॉश कर लें। इस टाइम पर आके इसको हमने इस बॉल में शिफ्ट कर दिया, इसको ऊपर से इस तरीके से रैप करने लगे हैं, इसको हमने मैरिनेट करना है, फ्रिज में रख देंगे नीचे वाले खाने में 4 से 5 घंटे के लिए, ठीक हो गया। 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे, 4 से 5 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह 4 घंटे पूरे हो गए हैं, 4 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रखा था, अंगीठी पे आ गए हैं, कोयले जला लिए हैं, कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो सीखें साफ़ कर ली। अब हम इनका ये ऊपर से ये कवर उतारने लगे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऐ भी आग से छोड़ देंगे, गल समझ आ रही है। इस तरीके से अब अपने पीस उठाने हैं अपने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चेस्ट वाला पीस है, इसको यहाँ से हमने सिलाई डालनी है, इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो इनकी विंग्स हैं, विंग्स वाली जगह से इस तरीके से हमने गुजार देना है, ठीक हो गया। ये हो गया, दूसरा जो है ना हमने सिलाई उठानी है यहाँ पे इस तरीके से, और इस तरीके से हमने इसके साथ से इस तरीके से डाल देनी है, ये इस तरीके से कुछ आ जाएगा, इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से बन जाएगा। ये तमाम पीस हम इस तरीके से सीखों पर लगा लेंगे, उसके बाद आपसे लेग पे भी बाबा जी 2 लगाना है, लेग पे 1 लगेगा। ये फ्रंट वाली साइड इस तरीके से पकड़नी है आपने, यहाँ से ये बोन के अंदर से इस तरीके से गुजार के, और ये यहाँ पे जो पट्टा होता है इसका, इस जगह से यहाँ से यूँ गुजार देना है, फिर ये गिरता नहीं है, ठीक हो गया। कोयले जल चुके हैं, कोयलों का जो हीट है ना कोयलों की, वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। हमने अच्छे तरीके से इसको फैला दिया, ताकि कम हीट पे हम इसको कुक करेंगे अपने पीसों को, और 15 मिनट इनका टाइम होगा। इस तरीके से यहाँ पे रख दें, कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा सेंटर में कर दें इस तरीके से, इस तरीके से रख देंगे हम इसको, और इस तरीके से साइडें चेंज करते रहेंगे 2 से 3 मिनट के बाद, और इनको कुक करते रहेंगे। टोटल टाइम जो है वो 15 मिनट लगेगा मेरे भाइयों।
कोयले हमने ताज़े जलाए थे, मुझे लग रहा था कि हीट इसकी ज़्यादा है कोयलों की, हमने थोड़ी सी यहाँ पे ईंटें रख के इसको सीखों को पीसों को ऊंचा कर लिया। ये बात आपके जहन में रहे, जब भी आप टिक्का बोटी बनाएं, पीस बनाएं, उनके अंदर और कोयलों के अंदर जो गैप है वो 5 से 6 इंच का होगा तो टेस्टफुल बनेंगे, या फिर आपकी जो हीट है कोयलों की बहुत कम होनी चाहिए। इनको चेंज कर दें, इनको कुक होते हुए 9 से 10 मिनट हो चुके हैं, ठीक हो गया। अभी तक हमने ऑयल वगैरह नहीं लगाया, 2 से 3 मिनट इनको मज़ीद इस साइड से कुक करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। 12 मिनट के बाद इनके ऊपर हम अब जो है ना ऑयल लगाएंगे हल्का हल्का, ताकि इनके ऊपर शाइनिंग आ जाए। कितने प्यारा कलर आता जा रहा है जी, कितने प्यारे प्यारे बन रहे हैं पीस साढ़े, हैं जी। ईद स्पेशल बन रही है बस, हैं जी, फैमिली के नाल ईद इंजॉय हो रही है। इस तरीके से ऑयल लगाते जाएँ, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से। आ हा हा, सुभान अल्लाह, शाइनिंग के लिए इस तरीके से। घी भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, इस तरीके से लगा दें इनको सबको। अब इनकी साइडें चेंज करेंगे, फिर उस साइड पे भी लगाएंगे, ये ऐसे, ये इस तरीके से हैं, सुभान अल्लाह, ये चस्के है, ये इस तरीके से। इस साइड पे भी ऑयल लगा दें, 3 से 4 मिनट मजीद इसको कोयलों पे इस तरीके से हम कुक करेंगे, साइड चेंज करेंगे एक बार सिर्फ। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम हमारा पूरा हो चुका है, यहाँ पे इसको इस तरीके से प्लेटर में हम सर्व करने वाले हैं, इस तरीके से रख रहे हैं। इसको हमने गर्म कर लिया चूल्हे वाली आंच पे इस तरीके से। अब यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे राउंड कटी हुई प्याज सर्विंग के लिए हैं, साउंड वास्ते। ऊपर से डालेंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। अब हम पीस उतारेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हैं चस्के आ रहे हैं ईद वाले दिन। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस टाइम पे आके राउंड कटी हुई प्याज इस तरीके से हम डाल देंगे इसके ऊपर, कोई मसला नहीं है। साथ में लीमू इस तरीके से, सुभान अल्लाह, कमाल कमाल मेरे भाइयों, कमाल का टेस्ट, कमाल की लुक, कमाल के ये तैयार हुए हैं मेरे भाइयों। गल समझ आ रही है, ईद स्पेशल चिकन पीस किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से बारबेक्यू कर सकते हैं, मुकम्मल गाइड कर दिया। अगर आपको हमारी ईद स्पेशल चिकन पीस की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, अपना भी बहुत सारा ख्याल रखा करें, इर्द गिर्द लोगों का भी बहुत सारा ख्याल रखा करें, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए दुआएँ कर दिया करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।